नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूँ आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब ओबीसी आरक्षण को लेकर संग्राम, राज्य में जगह जगह भाजपा और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मंगलवार को होगी देशमुख से पूछताछ, राज्य के पूर्व गृह मंत्री को ईडी ने जारी किया दूसरा सम्मन, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। संसद में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य, 93% राज्यसभा, 80% लोकसभा सांसदों का हो चुका है टीकाकरण। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जिले में फिर से लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, दुकान बाजार 4 बजे तक खुले रहेंगे। घोड़ी पर सवार दूल्हे पर लगा 500 रुपए का जुर्माना, एनटीएस की कार्रवाई, मास्क नहीं पहना भारी पड़ा। अजनी वन मामले में जितने पेड़ उतनी आपत्तियां, हजारों पेड़ों का अस्तित्व राज्य सरकार के हाथ में, वृक्ष संवर्धन कानून के संशोधन को मान्यता। मोमिनपुरा के सैफी नगर रोड स्थित ठेकेदार द्वारा सीमेंटीकरण, लेकिन पानी निकासी की अनदेखी, गली में है जल जमाव। वर्धा रोड पुलिया पर विस्फोटक से भरे ट्रक के मिलने के बाद हड़कंप मच गया था, ट्रक के मालिक को तलब किया गया, परिवहन से संबंधित दस्तावेज वैध पाए गए। कोविड टीके के अभाव में आज फिर टीकाकरण नहीं, शनिवार को शहर में 30,313 लोगों को लगाया टीका। जरीपटका थाना क्षेत्र के मेकोसा बाग में एक व्यक्ति ने कुछ युवकों को अपने घर के सामने पेशाब करने से मना करने पर एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसी के साथ आज की सुपर फास्ट बुलेटिन यही समाप्त होते, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।